बाढ़ आ जाने के बाद जो है ना ये फ्लड फाइटिंग का काम होता है, बाढ़ आ जाने के बाद पहले से बांध को काहे नहीं दुरुस्त किया गया? काहे नहीं दुरुस्त किया गया? ये देखिए ये फ्लड फाइटिंग का काम जो है वो करप्शन फाइटिंग हो जाता है, करप्शन फाइटिंग हो जाता है। ये चीज है, ये करप्शन के लिए नेता और अधिकारी लोग आपस में फाइट करते हैं कि हम ज्यादा कमाइबो तो हम ज्यादा कमाइबो, ये सच्चाई है। ये जो बोरा दिख रहा है दोनों साइड बोरा रखा गया है, ये क्या यहाँ के इंजीनियर को नहीं पता था कि बांध टूट सकता है? पता था कि नहीं था? पता था। ये देखिए कल रात के बाद से सैकड़ों तैयार कल गए, हमने तो पहले हमारा सबके कहियो ही नजारा देखे के लिए नहीं भेटे। हाँ, तो ये सारी चीजें है। ये बिहार में, अगर बिहार को बदलना चाहते हैं आप लोग तो प्रयास करना होगा। ये देखिए, ये लोग जो है अपना सारा सामान लेके जो है वो रोड पे आ चुके हैं। ये देखिए, और हर साल इस प्रकार की स्थिति होती है, हालांकि नेता लोग गुमराह करता है लगातार। छे से हम सब गोटा कोशी के तटबंध है, ओ जगह पर जे लोग सब छे हुनका सब हुनकर सबके जे दृश्य छे जे स्थिति छे ओकरा भोरे से देखा रहल छी। और हमरा सबके मिथिला क्षेत्र में आ जगह पर जे 1968 के बाद कोसी बांध के ऊपर से जे जल आगू बढ़ले हन, ओकरा बाद जे छे से हम सब गोटा पुनः 2024 में दृश्य छे से कोशी के हम सब देख सके छी। हमरा संग मनीष भाई छे जे की पूरा निरीक्षण करै छे से अखन कोसी तटबंध पर जा रहा है, जे जगह पर रात के लगभग 12:30 बजे रात में बांध टूटल छे। की देखलिए, कई तरह के दृश्य छे, कई तरह के नजारा छे। देखिए, इस प्रकार का नजारा जो है पूरे देश में कहीं देखने को नहीं मिलता है। हर साल बिहार बाढ़ में डूब जाता है, हालांकि इस बार जो है थोड़ा ज्यादा पानी आया है, लेकिन हर बार अखबार में और टीवी चैनलों के माध्यम से हम पढ़ते हैं कि इस बार थोड़ा ज्यादा आ गया है। इसको कंट्रोल करने के क्यों नहीं प्रयास किया जा रहा है? इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। मिथिला क्षेत्र हो या चंपारण क्षेत्र हो या किशनगंज पूर्णिया का सीमांचल क्षेत्र हो या कटिहार हो खगड़िया हो, ये सारा डूब जाता है बिहार का। आवाज़ तो उठाया जाना चाहिए। देखिए, मैं अभी 3 घंटा पहले पहुंचता वहाँ पे, लेकिन जब मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ लोग मुझे घेर ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भैया हमारे दर्द को दिखा दीजिए। हम किसके दर्द को दिखाएं, कहाँ दिखाएं? आप लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं कि हम लोगों के आने से पहले आप लोग ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मेरा यही लक्ष्य था। मैं उस लक्ष्य को जो है लगभग पूरा कर लिया हूँ कि हर गांव में एक पत्रकार बना देना था, डिजिटल पत्रकार हर गांव में। और आज देखिए कि हर गांव से जो है आवाज़ उठने लगा, अच्छी बात है। बिहार में बाढ़ पे काम होना चाहिए। 11,500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया है, हमें और पैसे की ज़रूरत है। और नदी से नदी को जोड़ा जाना चाहिए, और नदी से नदी को जोड़ दिया जाएगा तो समस्या का समाधान होगा। वरना 1968 के बाद जो परिस्थिति हम सब गोटा देखने चलो 1968 में, ओकरा बाद छे से एखन हम सब गोटा वह परिस्थिति देखे बिहार बदल रहा है। सुनिए, ये बात कौन बताया आपसे कि 1968 के बाद से 1968 के जे हमरा सबके सामने जे वीडियोस बहुत सारा सोशल मीडिया पर बहुत सारा वीडियो हम सब गोटा देख रहे हैं। सुनिए, ये सब हर साल जो है बताया जाता है, हर साल कि इसके पहले 50 साल पहले ही इस प्रकार का पानी आया था। हर साल ऐसे ही आता है। और देखिए, बाढ़ आ जाने के बाद जो है ना ये फ्लड फाइटिंग का काम होता है। बाढ़ आ जाने के बाद पहले से बांध को काहे नहीं दुरुस्त किया गया? काहे नहीं दुरुस्त किया गया? ये देखिए ये फ्लड फाइटिंग का काम जो है वो करप्शन फाइटिंग हो जाता है, करप्शन फाइटिंग हो जाता है। ये चीज है, ये करप्शन के लिए नेता और अधिकारी लोग आपस में फाइट करते हैं कि हम ज्यादा कमाइबो तो हम ज्यादा कमाइबो, ये सच्चाई है। ये जो बोरा दिख रहा है दोनों साइड बोरा रखा गया है, ये क्या यहाँ के इंजीनियर को नहीं पता था कि बांध टूट सकता है? पता था कि नहीं था? पता था। ये देखिए कल रात के बाद से सैकड़ों तैयार कल गए, हमने तो पहले हमारा सबके कहियो ही नजारा देखे के लिए नहीं भेटे। हाँ, तो ये सारी चीजें है। ये बिहार में, अगर बिहार को बदलना चाहते हैं आप लोग तो प्रयास करना होगा। ये देखिए, ये लोग जो है अपना सारा सामान लेके जो है वो रोड पे आ चुके हैं। ये देखिए, और हर साल इस प्रकार की स्थिति होती है, हालांकि नेता लोग गुमराह करता है कि नहीं करते हैं जी। और मैं भी उनको कुछ कारणों से कुछ कभी कभी नहीं पसंद करता हूँ जी।
लेकिन जब बाढ़ आता है, आपदा आता है, जी जी। तो वो नेता दिखता है, हर जगह दिखता है वो नेता, पप्पू यादव दिखता है, अच्छी बात है। और पप्पू यादव मुझे दिखे, मैं जब जा रहा था, मैं आ रहा था तो वो जा रहे थे, पप्पू यादव दिखे, तो पप्पू यादव के जगह पे दूसरा भी नेता दिखना चाहिए। लेकिन बिल्कुल जो इसको वोट देकर लोग सांसद और विधायक बनाया, जिसको मुख्यमंत्री बनाया, आज वो मुख्यमंत्री कहाँ है? हेलीकॉप्टर में, हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। आजका जो परिस्थिति हम सब गोटा देख रहा छी, जो दरभंगा क्षेत्र में ही पड़े, लेकिन एखन तक जो लोग सब के कहब है, सुबह से हम सब एक जगह पर ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा छी, एको बेर सांसद इनका सबके मुँहों देखबा के लिए एलखिन हने तो का? अब लोगों ने ही वोट दिया है ना, लोगों ने ही वोट दिया ना, तो लोगों ने जो वोट दिया है तो अब झेले, अच्छे लोगों को वोट दे तो जो जाके बिहार बदलेगा, वरना नहीं नहीं बदलेगा। ये चीज है, सांसद बनला तो बहुत दिनों ने भ गए, ये बीच में चुनाव भेल छले, तब पूछिए सवाल उनसे जाके, आना चाहिए था उनको। एक लास्ट सवाल अपने से, कोना के बिहार बदल सके? देखिए हम सब मिलके जो है बिहार बदल सकते हैं, और 5 साल में बिहार बदल सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग जो है जातियों में अलग अलग बट जाएंगे ना, तब बिहार नहीं बदलेगा। देखिए मैं सरकार से सवाल कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो करना चाहिए, सबको करना चाहिए, अगर गलत हो तो बस। अब थोड़ा गरीबी के नाम पर वोट ले लिया, सिर्फ गरीबी के नाम पे घोटाला और वोट होता है बिहार में।